जैसा कि हम जानते हैं, बच्चों का हंसना, खिलखिलाना और उसकी मुस्कुराहट देख देख कर घर का हर सदस्य अत्यंत खुश होता है, प्रसन्न होता है। वही बच्चा अगर अचानक से रोना शुरू करते हैं और रोने में उसके हाथ पैर भीग रहे हैं, पैर फेंक रहा है और बस रोए जा रहे हैं, उसके बाद प्राय होता है कि हम समझते हैं कि बच्चे को भूख के कारण कोई समस्या आ रही है, तो बच्चे को दूध पिला दिया, छोटा बच्चा है वो। तो ऐसी समस्याएं कब आती है? जब बच्चा 2-3 सप्ताह का हो चुका होता है, तो इस समस्या को बोलते हैं कोलिक। उसको दर्द होगा तो बोल तो सकता नहीं, तो उसका जो कुछ है उसका एक्सप्रेशन होंगे, पाँव ऐसे करेगा, हाथ ऐसे करेगा, मुँह एकदम चेहरा लाल हो जाएगा। तो फिर हम ऐसे रोगी के लिए क्या उपाय करें? तो सबसे पहले तो जो साधारण उपाय हैं वो ये है कि हम जब भी बच्चे को दूध पिलवाते हैं, उसकी माँ जब दूध पिला चुकी होती है, तो उसको कंधे पर लेकर के और थपकारा दिया जाता है। ये थपकारा देने से क्या होता है कि बच्चा डकार करता है और उसके पीठ पे दबाव बनने से डकार आ जाती है। इससे जो रास्ते की रुकावट है वह नहीं होती, यानी कि उसकी किसी भी हाथ में कोई रुकावट नहीं आती, तो उसको कोलिक का दर्द नहीं होता है। अब जो है ये हो जाए तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। अगर जैसे आपको बताया पहला, तो उसको डकार लेना है, डकार नहीं ले पाता है, उससे आराम नहीं हो, कम आराम हो, तो बच्चे को पेट के बल लिटा कर देखेंगे, बच्चे को इससे भी आराम आ सकता है। अगर इसके बाद में भी ऐसा लगता है कम आराम आ रहा है, बच्चा रो के फिर बीच में अचानक से फिर रोने लग जाता है, तो उसके पीठ पर जो है खोपरे का तेल लेकर के अच्छे से मालिश कर दीजिए। अच्छे मालिश कर देने से बच्चा का कोलिक बंद हो जाएगा। इसके बाद देखिए, आपकी थोड़ा सा गर्म पानी करिए, गर्म पानी से उसको निचोड़ करके जो टॉवल है वो उसके पेना ना हो कि आपके हाथ भी जल रहे हो, तो फिर बच्चे का ध्यान रखते हुए बिल्कुल हल्का सा गर्म करके रखिए, तो फिर उसका दर्द ठीक हो जाएगा। इसके अलावा उसको नहलाने से भी कभी कभी जो है बच्चे को फायदा हो जाता है। इसको तो ये सब होने के बावजूद कई बार ये होता है कि हमें कुछ मेडिसिन की आवश्यकता होती है, तो वो उससे संबंधित कुछ मेडिसिन मैं आपको बताना चाहूँगा। अगर बच्चा अम्ल के प्रति संवेदनशील हो, है ना, उसको मीठा दो तो वो बहुत मीठा खाने के लिए लालित रहता है, हिचकी उसको चलती रहती है, गर्म पानी पीने से उसके पेट दर्द में आराम आती है, अपना वो उकड़ू कर लेता है, उकाई होती है, उल्टी होती है, रगड़ने और दबाव देने से उसको आराम आता है, साथ में अपान वायु भी निकालता है, तो ऐसे लक्षण अगर बच्चे में हैं, ये थोड़ा सा बड़ा बच्चा भी 3 साल का भी हो सकता है, 2 साल का भी, तो ऐसे बच्चे को आपको मैग्नीशियम फॉस्फोरिकम दवा देना है। इस पोटेंशियम 6x में दिन में 3-4 बार देना है। तो क्या होता है कि जब बहुत छोटे बच्चों को देना होता है तो उसको दवा को एक गुनगुने पानी में डाल दें और उसमें से 2-2, 4-4 बूंद छोटे बच्चे को, बड़ा बच्चा है तो उसको 1-1 चम्मच दे दीजिए। अब आप आगे अपन बात करते हैं कि ऐसा बच्चा जो भूख नहीं लगता, खाने के बाद उसको दर्द हो जाता है, ठंडा दूध अगर उसको दे दिया या आइसक्रीम दे दी तो उसको उल्टी हो जाती है, नाभि के आसपास ऐसा लगता है कि वो धस गई है नाभि, और जब वो स्टूल करता है तो उसका रंग हरा होता है, बदबू होती है, और ऐसा जब दांत निकल रहे होते हैं, जब ज़्यादा करके होता है, तो उस बच्चे को हमें किलकिले फॉस्फोरिकम दवा देना है। अब आइए जो है अब हम बात करेंगे कि शाम के समय प्यास बहुत लगती है, लगातार उबका आना, पित्त की वमन होना, सिर दर्द, चक्कर आने के साथ साथ दर्द हो, तो नेटम सब दवा का उपयोग किया जाना चाहिए। गैस की समस्या हो,
वायु निकलने के साथ ही कमर पर टाइट कपड़े सहन नहीं कर सकता। अगर उसको टाइट कपड़े आपने पहना दिए तो रोने लग जाएगा, अगर उसको ढीले कर देंगे तो चुप हो जाएगा। तो ऐसे बच्चे को, और जब वो पेट उसका अगर दाहिनी तरफ दुख रहा है और फिर बाएं तरफ दुख रहा है, तो उसके लिए जो अच्छी दवा है उसका नाम है नेक्टम सल्फ्यूरिकम। अब हम चर्चा करेंगे एक अगली दवा जिसका नाम है फेरम फास्फोरिकम। मित्रों, देने से सबसे ज़्यादा लाभ ये होता है कि कोई सी भी प्राथमिक जो है दवा में ये काम करती है, क्योंकि फेरम फास्फोरिकम सीधे जाके रक्त के RBC या लाल कणों को तुरंत बढ़ाती है। और जैसे ही आपके RBC बढ़ जाते हैं तो खून के मात्रा और लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है। परंतु तो इसके लिए जो है हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या ऐसे लक्षण हैं जिससे इसकी पहचान रहती है। तो बच्चा एक तो दूध पसंद नहीं करता, मांस भी पसंद नहीं करता, हमेशा ठंडे पानी की मांग करता है। तो ऐसे बच्चे को पेट में सूजन और लालपना हो जाता है और कोलिक हो जाता है, ना दर्द होता है, तो उसको फेरम फास्फोरिकम दवा देना है। कभी कभी उल्टी में लाल रंग निकल सकता है, लेफ्ट के रास्ते से भी लाल रंग निकल सकता है, खून निकल सकता है। तो ऐसे रोगी के लिए फेरम फास्फोरिकम दवा दिया जाना है। आशा है वीडियो आपको पसंद आया। नमस्ते।